हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्रेडिंग स्किल्स, जहां पर आप हमेशा कुछ नया, कुछ एडवांस सीखते हैं। आई एम श्वेता सिंह हियर विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है एडवांस वीडियो। जब भी आपको किसी मदद की ज़रूरत होती है, आप क्या कहते हो? प्लीज़ हेल्प मी, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी। आज की वीडियो में मैं आपको मदद मांगने के डिफरेंट वे सिखाऊंगी, जिससे कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट तरीके से हेल्प मांग सको इंग्लिश में। सो यू आर गोइंग टू लर्न एडवांस फ्रेजेस, जिसको यूज करके आप सही जगह पर सही इंग्लिश बोल पाओगे। जब आप किसी से इंग्लिश में मदद मांगते हो बाय सेइंग हेल्प मी, तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर नो भी आ सकता है। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब आप हेल्प ढूंढ रहे हो तो आपको हेल्प मिलना कितना इम्पोर्टेंट होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे इनडायरेक्ट वेज बताऊंगी, जिसकी मदद से आप इंग्लिश में डिफरेंट वेज में, इनडायरेक्ट वे में मदद मांग सकते हो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट फ्रेज, व्हिच इज आई नीड सम असिस्टेंस। सपोज आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो ऑफिस में और आप स्लाइड्स नहीं ऐड कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रखी है, आपको किसी का हेल्प चाहिए। आप अपने कलीग्स के पास जाओगे और उनसे कहोगे प्लीज हेल्प मी। हो सकता है कि वो आपकी हेल्प ना करें, और हो सकता है वो ये कह के टाल दे कि उनको और ज्यादा जरूरी काम है, राइट? सो आप इस फ्रेज को बोलोगे That I need some assistance. That means कि आपको assistance चाहिए, help नहीं चाहिए. Okay? So you can say, Hey, I need some assistance. I am not able to add the slides in the presentation. Would you please assist me? That's a formal way to ask help. Okay? Our next helping phrase is, Would you mind helping me? Would you mind helping me? देखिए, ये बहुत जनरल वे है किसी से हेल्प मांगने का। सपोज आप किसी जार का ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहे हैं और वो ढक्कन खुल नहीं रहा है, या आप किसी चीज़ को उठाना चाहते हैं या पकड़ना चाहते हैं कुछ ऊंचाई पे और आपका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, आपके आसपास कोई है जिससे आप हेल्प मांग सकते हो, तो आप इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? दैट इज टू जनरल वे टू आस्क हेल्प, ओके? विच इज वुड यू माइंड हेल्पिंग मी। For example, would you mind helping me? I can't open the lid of the jar. Next phrase is, could you please give me a hand? हाथ देने को नहीं बोल रहा है। It's a way for asking help to someone to whom you know very well. ये एक तरीका है जिससे आप किसी से ऐसे से help मांग सकते हो जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। It could be your brother, it could be your sister, it could be your friend, it could be anyone inside your house. Or someone you know very well, okay? Suppose आप घर के कोई काम कर रहे हो, suppose मेहमान आ रहे हो तो आपको जल्दी जल्दी खाना बनाना है, आपको खाने में help चाहिए, so आप कह सकते हो अपने भाई या बहन या अपनी mother या भाभी से, Would you give me a hand please? Like you need a help. Family member से कह रहे हो, Could you please give me a hand? सपोज आप डिनर टेबल सेट कर रहे हो, सो आपको प्लेट्स मंगानी है या किसी से कुछ मंगाना है, यू कैन से टू योर सन, सन कुड यू प्लीज गिव मी अ हैंड, ब्रिंग ऑल द प्लेट्स ऑन द टेबल। नेक्स्ट फ्रेज इज कुड यू डू मी अ फेवर, और यू कैन से विल यू डू मी अ फेवर। यूज इट्स लाइक क्या तुम यार मेरा एक काम कर दोगे, कहते हैं ना हम लोग हिंदी में यार प्लीज मेरा एक काम कर दो, या क्या तुम मेरा एक काम कर दो। सपोज आपको अपनी सिस्टर को उसके स्कूल से पिकअप करने जाना था, बट आप बहुत ज़रूरी काम में फंस गए हो, आप अपने फ्रेंड को फ़ोन करोगे और बोलोगे उससे श्वेता कुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर, आई प्लीज़ प्लीज़ पिकअप माई सिस्टर फ्रॉम द स्कूल, आई एम इन वेरी अर्जेंट मीटिंग, ओके? इस तरह से आप अपने फ्रेंड को कॉल करके एक फेवर मांग सकते हैं। इसका आंसर नो होना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज सामने वाले को आपकी अर्जेंसी का पता होता है, या ये कह लो ही नोज दैट यू आर स्टक इन समवेयर वेयर दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू पिक योर सिस्टर, सो ही और शी विल डेफिनेटली हेल्प यू, ओके? नेक्स्ट फ्रेज इज कुड यू हेल्प मी फॉर अ सेकेंड। Could you help me for a second? For a second, it denotes that you are asking for a quick favor. Quick favor, okay? यानी कि आपको बस छोटी सी help चाहिए,
तुमसे नहीं तो किसी और से ले लेंगे, बट इफ यू कैन हेल्प मी देन प्लीज कुड यू प्लीज हेल्प मी फॉर अ सेकेंड। सपोज आप किसी कहीं का एड्रेस ढूंढ रहे हो, ओके, और द स्ट्रीट इज जस्ट सो बिजी, आप किसी से पूछते हो कुड यू प्लीज हेल्प मी फॉर अ सेकेंड, लाइक डू यू नो वेयर इज द सिटी हॉस्पिटल, आई एम न्यू हियर, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। नेक्स्ट वे ऑफ आस्किंग हेल्प इज वुड यू माइंड शोइंग मी, वुड यू माइंड शोइंग मी। आप इस हेल्प को तब मांगोगे जब आपको किसी चीज को ढूंढने में मदद चाहिए। सपोज आप किसी मेहमान के घर जाते हो और आपको रेस्ट रूम यूज करना है, रेस्ट रूम मीन्स यू वॉन्ट टू गो टू वॉशरूम और टॉयलेट, ओके, आप पूछते हो कि hey, would you mind showing me the restroom? You are in the university and you are trying to find your classroom. नहीं मिल रहा है तो आप अब किसी भी क्लासमेट या किसी भी स्टूडेंट से रोक के पूछ सकते हो वुड यू माइंड शोइंग मी द क्लास नंबर 12। नेक्स्ट इज लेंड मी अ हैंड, लेंड मी अ हैंड। सपोज आप अपना बेड बना रहे हो, यानी कि बेड को सही कर रहे हो, यू आर मेकिंग योर बेड। बेड को सही करने को या उसको बिल्कुल सही तरीके से रखने को इंग्लिश में बोलते हैं मेकिंग बेड, लाइक यू आर सो, आप बहुत परेशान हो गए बिछा बिछा के इधर उधर हर कोना पकड़ पकड़ के। अगर आप देख रहे हो कि सामने कोई खड़ा है आपको स्ट्रगल करता देखते हुए, आप उससे बोल सकते हो hey, lend me a hand, I'm struggling here. Hey, lend me a hand, I'm struggling here. Lend me a hand मतलब जरा हाथ लगाना, बोलते नहीं है हाथ तो लगाना। Okay, so that's it for today. I have given you some amazing phrases जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट टाइप से इनडायरेक्टली हेल्प मांग सकते हो, जो कि बहुत इफेक्टिव है। इट शोज हाउ नॉलेजेबल यू आर एंड दैट ऑल्सो शोज हाउ अपडेटेड यू आर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे एफर्ट्स सही लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। ओके Okay guys, thank you so much for watching. Shweta Singh signing off. Wish you all the best. Keep on practicing each and every day.